हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं द वेरी टेस्टी कॉफी कुकीज। तो आइए क्विकली इसे स्टार्ट करते हैं हम बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने अराउंड 175 ग्राम्स ऑफ बटर लिया है, जिसे हमने रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट कर लिया है इस तरह से, और उसको हम विप कर लेंगे अच्छे से और भी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बना देंगे। 2-3 मिनट के लिए हम इसे विप करेंगे और साइड्स को हम इस तरह से स्पैचुला से स्क्रेप करते रहेंगे। और जब ये विप हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर जो हमने लिया है अराउंड 1/2 कप, और उसी में हम डाल रहे हैं ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा जो है 1.5 कप, 1.5 कप हमने मैदा लिया है इसमें। और इसके साथ ही साथ इसी में हम डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी पाउडर हम ले रहे हैं अराउंड 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच। और इसके बाद हम सभी चीज़ों को एक साथ छान लेंगे। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल पे आपको वैरायटी ऑफ रेसिपीज मिलेंगी, ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब सभी चीज़ों को किसी भी स्पून स्पैचुला से अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें और इसे एक बहुत ही स्मूथ बैटर में ले आएं। तो लीजिए, ये तैयार है हमारा कुकीज़ का बैटर। अब इसको हम एक क्लिंग रैप में, प्लास्टिक रैप में आप इसको इस तरह से रख दें और विद योर हैंड्स ओनली, आप हाथों की मदद से ही इसको अच्छा सा शेप दे सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जैसा आप देना चाहें। और उसके बाद हम इसको अच्छे से रैप कर देते हैं लाइक अ टॉफी, जैसे टॉफी लगती है, बस इसको अच्छा शेप दे के अब हम इसे फ्रीज कर देंगे। तो अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको हम रखते हैं फ्रीजर के अंदर 1 घंटे के लिए। और अब 1 घंटा हो चुका है, हमने इसे निकाल लिया है। तो अब क्लिंग रैप निकाल के हम इसे कट करना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के गैप पे हम इस तरह से नाइफ की हेल्प से इसे कट करते जाएंगे। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 ट्रेस में, और 1 ट्रे हम डालेंगे माइक्रोवेव में और 1 हम बनाएंगे विदाउट माइक्रोवेव यानी गैस के ऊपर, ताकि आपको एक कन्वीनियंट रहे अगर बिना माइक्रोवेव के कोई बनाना चाहे तो इसको इस तरह से बना सकता है। तो जो बिना माइक्रोवेव के बना रहे हैं, तो एक बड़े बर्तन को में आप चाहे तो नमक डाल दें या पानी, और उसमें स्टैंड रख के उसे प्रीहीट कर लें पहले आप 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद अपनी ट्रे उसके अंदर डाल के आप उसे रखें ऑन मीडियम हीट, मीडियम फ्लेम पर रखें करीब 20 से 25 मिनट के लिए। और इस ट्रे को हम रख रहे हैं माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव को भी पहले आप प्रीहीट कर लें अच्छे से, और उसके बाद इसको हम रख रहे हैं अराउंड 160 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1/2 आवर, 1/2 घंटे के लिए। और ये देखिए, माइक्रोवेव से हमने इसे निकाल लिया है और साथ ही में हमने गैस वाला भी निकाल लिया है, और दोनों को अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। एंड लेट मी शो यू द क्रंच ऑफ द कुकी। सो डू ट्राई दिस वेरी टेस्टी कॉफी कुकीज, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।